ready. Derp, derp. Derp, derp. Hi everyone, what's up? Welcome back to the channel. सबसे पहले तो पिछली वीडियो पे आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया. इतने ज़्यादा कमेंट्स आए, कॉल्स आई, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स, फेसबुक पे कमेंट्स, यूट्यूब पे कमेंट्स, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन इट वॉज़ अ ब्लास्ट. अब ये जो राइड है ना, ये जो वीडियो है, ये काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल राइड आपको लग रही है लेकिन ये है नहीं. मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि जो पहली राइड इसकी थी वो क्या थी. ठीक है, तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो इसमें मिसिंग है और वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है इससे पहले कि हम इसकी रेगुलर जो है ना व्लॉग्स वो शुरू करें. तो इस वीडियो में हम एक छोटी सी राइड करते हैं. आपको लग रहा है कि ये पहली राइड है लेकिन इससे पहले इस पर राइड हो चुकी है. सिनेमैटिक्स ये ब्रो, कोशिश की है मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों को जो है ना हल्की पुल्की सिनेमैटिक्स की गेम भी दी जाए. अरे बाइक इस तरह की है तो ज़रा शशके वशके तो चलेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आज बतानी है आपको, सबसे पहले तो आपको पता लग गया होगा मैं रहता कहाँ. ओ भाई साहब सरप्राइज. एनीवे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने ये बतानी है कि दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट राइड ऑन दिस बाइक. मैंने ये बाइक जो है ना ये चलाई हुई है, ठीक है, और ऐसे वैसे नहीं चलाई हुई, वाफर चलाई हुई है. और अब इससे अगली जो वीडियो आ रही है ना वो रिवील करेगी कि हमने ये बाइक कैसे ली, कहाँ से ली, क्या किया, क्यों किया. थोड़ा सा उसका मैं आपको हिंट देने के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये डिसाइड किया ये बाइक लेने का तो बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी. ठीक है, तो प्लस मैं पिछले 2 महीने से व्लॉग भी नहीं कर रहा था तो थोड़ा सा डाउन चल रहा था, पता नहीं क्या था, तबीयत भी ख़राब थी. स्मॉग ने मुझे इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब किया. मैं पूरा 1.5 महीना जो है ना बीमार रहा हूँ और मैंने 5-6 दफ़ा जो है मेडिसिन भी चेंज की है और उसकी वजह से जो इस बाइक की परचेज़ का जो व्लॉग है ना वो उस तरह का लाइवली नहीं है जिस तरह का मैं चाहता था. ठीक है, या होना चाहिए जिस तरह का. ऑब्वियसली एक नई बाइक आप लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बताना ज़रूरी है. थोड़ी सी उसकी ना एक क्या कहते हैं बुक के पहले सफ़े पे जो लिखा होता है प्रीफेस, पता नहीं क्या होता है वो. बाइक हमें मिली है कराची से, ठीक है, और मैं आमिर भाई और अवैस भाई उन दोनों का बहुत शुक्रिया. हम तीनों गए गाड़ी के ऊपर बाइक लेने और वापस हम कैसे आए ये चीज़ मज़े की है कि क्या वापस मैं बाइक चला के आया हूँ या मैंने बाइक थोड़ी रस्ते पे किसी गाड़ी के ऊपर रखी थी और फिर मैंने चलाई, यू नो इस तरह की बातें. क्योंकि मेरे लिए सिंध जो था वो बिल्कुल एक नया था, मैंने बाइक भी नहीं चलाई हुई थी, बाइक का नंबर भी नहीं लगा हुआ था, अभी भी नहीं लगा हुआ नंबर. मैं इसको जनवरी के स्टार्ट में जो है ना वो इंशाल्लाह नंबर के लिए अप्लाई करेंगे. तो ये सरप्राइज़ या जो भी प्रोसेस आ रहा है वो आपको अगली वीडियो में होपफुली उसका पहला हिस्सा नज़र आएगा. अब वीडियोज़ का जो सीक्वेंस है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यार एक तो मैं बीमार चल रहा था, दूसरे नंबर पे मुझे पता नहीं था कि मैंने बाइक लेनी है कि नहीं लेनी. आखिरी लम्हे तक नहीं पता था कि क्या हम ये बाइक ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे. तो फिर मैंने सोचा कि यार कॉन्टेंट कैसे बनाऊँ, क्या बताऊँ आप लोगों को. एनी वेज अभी जबकि बाइक आ चुकी है तो अब वो वाली वीडियोज़ भी आएंगी. पता है आप लोग देख के कहेंगे हसन भाई क्या व्हाट, और ख़ास तौर पे मतलब कराची वाले कहेंगे क्या क्या व्हाट. और अच्छा मैं सरप्राइज़ रहने देता हूँ, वो जो वीडियो है वो आप फिर देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा. अभी वैसे ही एक हल्की फुल्की सी राइड के लिए मैंने सोचा कि निकलते हैं. यो 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 भाई, तो अब जो कि मैंने बता दिया कि भाई रहता किधर है तो भाई मीटअप वगैरह जो है ना अब इधर ही हुआ करेंगे, अब मैं शहर में नहीं आ रहा. थोड़ी एक्सेलरेशन देते हैं वीगो के साथ. ओ भाई वीगो साइड पर जो ओ हो ट्रक वाले भाई साइड पे वी. भाई हेलो 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 हेलो, ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस रोड के ऊपर जो है ना वो हम 133 लगाएंगे. ओ ओके ओ ओ ओ भाई
सही नहीं है। मैं ऐसी हरकत अब इसीलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं थी, तो अदरवाइज़ यू नो जहाँ पे क्रॉसिंग हो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने के हक में नहीं हूँ भाई। हाईवे पे सिर्फ तेज़ चल सकती है, उससे उसके अलावा नहीं। यार वंस अगेन आपके जो कमेंट्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत ही मज़ा आया। आप में से कई लोगों ने कहा कि भाई आप प्रैंक कर रहे हैं, और अगली वीडियो मुझे लगता है कहते हैं कि प्रैंक होगी जी आपके साथ, अप्रैल फूल हो गया दिसंबर में। तो भाई अप्रैल फूल नहीं हुआ अभी, इंशाल्लाह अवैस और आमिर भाई के साथ भी राइड करेंगे, ठीक है। और तीनों भाई साहब को जब नज़र आएंगे ना फिर आपको मेरे ख्याल से तसल्ली होगी। अभी लोगों को लग रहा है कि ये अवैस की बाइक है। ओह यस बेबी, यार सोनाटा इतनी खूबसूरत गाड़ी है कि इसको जो है ना डब्बे के साथ स्क्रैच लगाने का दिल कर। ये जो लीनिंग है ना, ये अगर बाइक चल रही है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है भाई। ये बहुत हैवी बाइक है यार, बहुत वजनी बाइक है, बहुत वजनी बाइक है। अनकरीब जो है ना TRK के साथ 251 के साथ भी इसकी वीडियो बनाएंगे। ओ हल्का सा आपको जो है ना बाइक का 360 देते हैं, और उसके लिए हम जाते हैं इस रोड के ऊपर जो कि बंद है। ओ यस बेबी, अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी जगह वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। हेल ये ला ला, ये दिस इज फर्स्ट लुक। आपको इस तरह मेरे ख्याल से बाइक पहली दफ़े दिख रही है, अबे पहली दफ़े दिख रही है, क्या किया क्या तूने अभी तक शूट? कुछ भी नहीं किया। तो इसका जो चेन है वो मैं साफ़ कर चुका हूँ एक दफ़ा, कोबी चेन क्लीनर जो कि आओ ADV स्टोर पर भी अवेलेबल है। बाय द वे आपके भाई का ऑनलाइन स्टोर है, आप में से काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता। अगर आपने मोटरसाइकिल की है, राइडिंग गियर एक्सेसरीज वगैरह लेनी हो तो www.advstore.pk इज़ आवर स्टोर। और मैं और इजाज़ भाई जो है ना वो मिलकर कर रहे हैं। तो ये भी एक मामला चल रहा है, ये स्टिकर जो है ये देखें, दिस इज़ ऑल मेड फ्रॉम क्या कहते हैं स्क्रैच, और इसका भी आपको डिटेल में बताएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें आपसे करने वाली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी देख रहे हो ना, ये देखो ये क्या लगा हुआ है, ये खाली रोड बड़ा मज़े का लग रहा है। कुछ तस्वीरें खींचते हैं इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कर लो यार फॉलो, मर्जी है भाई तुम्हारी। पिछली वीडियो में पता नहीं कमेंट किया था, वीडियो पे किया हुआ था या किसी ने इंस्टाग्राम पे किया हुआ था कि जी RHS के साथ अब आप जो है ना ब्लॉग करें, ट्रैवल करें। और मैंने कहा भाई बड़े लोग हैं वो, हम तो कहाँ छोटे छोटे चिंटी पिंटी। बाइक लेने से आप ऊपर नहीं चले जाते, कॉन्टेंट बनाना चाहिए। साहब भाई का तो कॉन्टेंट जो है वो बड़ा अच्छा है, हम भी कोशिश करेंगे अपना कॉन्टेंट जो है उसके गेम ऊपर करने की। उसके लिए अगर आप में से जो जो भाई फोटोग्राफी में भाई की मदद करना चाहते हैं, भाई का फ़ोटोशूट हल्का फुल्का सा यू नो स्लो मोशन और इस तरह की चीज़, वो बॉयज़ जो है वो कॉन्टेक्ट करें। वैसे तो शुमाइल है, उसामा है, और भी काफ़ी बॉयज़ हैं, जानसे भाई हैं, तो देखते हैं अगर कोई गेम बनती हुई इस तरह की तो वो भी चलाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना था कि अगली वीडियो जो है वो आएगी इस बाइक को परचेज़ करने का जो प्रोसेस है वो सारा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि उल्टा पुल्टा चल रहा है काम, लेकिन अगली दो वीडियोज़ तीन वीडियोज़ में हम आपको उस प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे, और उसका एक थोड़ा सा हेड्स अप टाइप चीज़ थी ये। ये कैमरे का एंगल जो वो चेंज करते हैं, मैंने यहाँ माउंट लगा दिया है। अब भाई माउंट लगेंगे, अब इधर भी माउंट लगेगा, और इन सबको जो रैप भी करवाना है, कोई रैप करने के लिए आप बता दें कोई अच्छा बंदा जो है जो हैंडल कर सके इस चीज़ को। मेरे ख्याल से म्यूज़िकल देखें आप थोड़ी देर, आगे लगाते हैं कैमरा और लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स ब्रो, कमेंट कर दें बाइक कैसी लगी आपको, राइड कैसी लगी, और टूर्स भी इंशाल्लाह होंगे वेरी सून, होपफुल। यस यस यस, वो जो सारे माउंट जो मैंने ज़िंदगी में पता नहीं 2 करोड़ साल पहले लिए थे 5,000 करोड़ रुपए लगा के, वो अब काम आएंगे। पूरा इंस्टाग्राम पे सारी पिक्चर्स आ रही हैं भाई, इस बाइक पे ऐसे बैठने का जो मज़ा है ना, वही 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 वही। चलो जी
ऑडियो आप लोगों को नहीं आएगी तो थोड़ा सा म्यूजिक से गुजारा कर लें। ओहो,